Hello and assalamu alaikum everyone. So we are here with another new podcast of Pharmacy Mentor Pakistan. This is Dania Nadeem, fourth semester pharmacy student at Salim Habib University. Assalamu alaikum everyone. This is Nuvaira Amir, currently a second year pharmacy student at Salim Habib University. We are here with another guest who has been teaching here since 5 years at the Department of Pharmacy Practice. She is also serving as a program coordinator. Inspiration of many of the students. We are very excited to introduce her. Please welcome Dr. Razia Jafri. Assalamu alaikum, ma'am. Wa alaikum assalam. Thank you so much for inviting me here. Looking forward to your questions. So, ma'am, mera sabse pehla question aapse ye hai ki aapne apni PharmD ki degree complete ki from Karachi University aur phir training ke liye aapne Aga Khan University join kiya. Exactly. Yeah. Aur uske baad aapne Karachi University se MBA किया। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने पहले एमफिल क्यों नहीं किया? Why did you choose MBA over MPhil? Okay. First off, मैं लास्ट बैच थी कराची यूनिवर्सिटी का जो बी फार्म कर रहे थे, फोर्थ ईयर की डिग्री थी मेरी और 2002 में मैंने पास आउट किया था. सो मैंने MBA फार्म डी से भी पहले किया है. ओके. यस. MBA किया मैंने यूं क्योंकि बस एक एस्पिरेशन जो यहाँ पे भी मैं स्टूडेंट्स की देखती हूँ कि उनको फार्मास्यूटिकल में जाना है, बिकॉज दे नो के हॉस्पिटल के इतने पर्क्स नहीं हैं. टीडियस जॉब्स होती हैं, शिफ्ट्स में काम हो रहा होता है. तो हमारा भी ये प्लान था कि हम मार्केटिंग में जाएंगे. उस वक्त जब मैं आई पास आउट तो उससे ज़्यादा था नहीं इतना कुछ ना फार्मास्यूटिकल में भी, या तो प्रोडक्शन सेल्स थी या मार्केटिंग थी. सो मैंने ये सोचा कि भाई अब MBA करेंगे. तो वो इत्तेफाकिया आगा खान का टेस्ट दिया, उसमें हम सिलेक्ट हो गए और फिर एक साल की ट्रेनिंग थी तो हमने कहा चलो कर लेते हैं. इस दौरान में एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ MBA का, तो वो दिया, वो भी इसमें भी क्लियर हो गए. तो फिर हमने कहा चलो MBA भी कर लेते हैं. फार्मासिस्ट देखो, जो एम बी ए होता है वो एक इंजीनियर के लिए भी होता है, वो एक डॉक्टर के लिए भी होता है और एक फार्मासिस्ट के लिए भी होता है. होता ये है कि जो एम बी ए की डिग्री है वो आपको बिजनेस सिखाती है. अब वो इंजीनियरिंग का बिजनेस हो, फार्मास्यूटिकल का बिजनेस हो, जो आपकी लीडरशिप है ना उसके कुछ उसूल होते हैं जो आप फार्मेसी में नहीं पढ़ते, बिकॉज यू आर टू हेल्पेंट ऑन लर्निंग अबाउट ऑल द फार्मास्यूटिकल इंफॉर्मेशन. ठीक है, वो उसकी जो मैनेजमेंट है ना वो आप एमबीए में सीखते हैं. तो इसलिए ये बेनिफिशियल इस तरह हुआ कि इसने आगे मुझे एमबीए करके, जब मैंने फार्मास्यूटिकल ज्वाइन की नोवार्टिस फार्मास्यूटिकल, तो उसमें मैं पहले मार्केटिंग में ही मेरा था, बट देन आई डिडंट लाइक इट मच क्योंकि इतना ज़्यादा कुछ हमारी लर्निंग नहीं थी. आई वॉज ऑलवेज, दो आई वॉज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट, बट अमेजिंगली पास आउट होते ही मैं बहुत इंटेलेक्चुअल हो गई एकदम. तो मुझे लगा कि नहीं, नॉलेज होनी चाहिए चीज़ों की. सो आई वॉज मोर फोकस्ड अबाउट ऑन द नॉलेजेबल स्टफ दैट वी आर डूइंग वेर एवर वी आर, फार्मास्यूटिकल में हो या इंडस्ट्री हॉस्पिटल. आपने कहा आप नोवार्टिस फार्मेसी में आपने काम किया है और आपका इतना एक्सपीरियंस भी रहा है, तो आप उन स्टूडेंट्स को क्या सजेशन देंगी जिनका इस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट देखो, जब हमने किया था इट वॉज लाइक 2 decades अगो, राइट? उस वक्त हालात और थे, अब डिमांड्स और हो गई है. अब एक डिग्री से काम नहीं चलता, बहुत सारी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेशन वो होनी चाहिए. अब फोकस मार्केटिंग से ज़्यादा एथिक्स पे आ गया है चीज़ों के करने का, और उसके लिए फिर रिसर्च लाजमी हो गई है. तो मुझे ये लगता है कि आजकल के स्टूडेंट्स को R&D में ज़्यादा काम करना चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट. इसके अलावा क्योंकि हम अब एक ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं, हर चीज़ इंफॉर्मेशन बेस्ड हो गई है, तो अब आजकल जो काम हो रहा है ना ज़्यादा वो बिग डाटा पे हो रहा है. सही है, इतना इंफॉर्मेशन का हमारे पास ट्रेजर है कि उसको हम सही तरह से इन्फ्यूज़ नहीं कर पा रहे अपनी प्रैक्टिसेस में. ठीक, तो उसके लिए डाटा साइंसेस आया है जिसके अंदर हम SPSS से हट के बहुत सारी चीज़ों में डाटा को मैनिपुलेट करके अपनी आंसर्स दे रहे हैं बहुत सी चीज़ों के.
उन चीजों को हैंडल करना, अब वो चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे फार्मास्यूटिकल हो, व्हेरेवर यू गो बिग डेटा इज देयर. तो उसके लिए जो सबसे मेरे, मैं अपने स्टूडेंट्स को क्लास में भी देती हूँ, अब तो उन्होंने रट लिया ये कि फाइनल ईयर इनफैक्ट इज इवन प्लानिंग टू एनरोल देमसेल्व्स इन इट, कि डेटा साइंसेस में सर्टिफिकेशन करें. अब तो एआई आ गया है हेल्थ केयर में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यू आर फार्मासिस्ट, आपकी प्री मेड की इंटर है, कोई फर्क नहीं पड़ता. देर आर सो मेनी कोर्सेज अवेलेबल जिसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि दिस इज फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इंक्लूडिंग डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, नर्सेज एंड एनीबडी हु इज सर्विंग इन एनी वे जो हेल्थ केयर में है. सो मेरा तो बहुत ऑफ कोर्स एरा पे इतने कोर्सेज हैं, दे शुड बी डूइंग इट, जिससे अब तो हर मिनट हर सेकेंड पे डिमांड्स बढ़ती जा रही है, डिवेलपमेंट्स होती जा रही है. सो दैट्स माई बिगेस्ट एडवाइस. अच्छा मैम, उसके बाद आप अटलांटा चली गई यूएसए फॉर द फॉरेन ग्रेजुएट इक्विवेलेंसी एग्जाम. सो हाउ डिड यू अप्लाई फॉर दैट? ऑनलाइन पूरा प्रोसीजर अवेलेबल है नेटफ्लिक्स का, और उसमें फॉरेन फार्मेसी ग्रेजुएट इक्विवेलेंसी एग्जाम में हम एक्चुअली जो फॉरेनर्स होते हैं उनके लिए वो एग्जाम होता है. उसको एफपीजी की वेबसाइट है, उसके ऊपर अप्लाई करते हैं. उस पर सारे प्रोसेसेस होते हैं, पहले आपके एजुकेशनल क्रेडेंशियल्स जो होते हैं वो इवेल्यूएशन के लिए जाते हैं, सारे ओरिजिनल्स. और फिर उसके बाद जब वो आपको रिपोर्ट भेज देते हैं तो एक रिपोर्ट वो वहाँ भी भेजते हैं, NABP नॉर्थ अमेरिकन फार्मेसी का जो बोर्ड है, तो वहाँ पे भी वो रिपोर्ट जाती है. फिर वो आपसे कुछ प्रोसेसेस कराते हैं, कुछ फॉर्म्स होते हैं, अब तो ऑनलाइन हो गया है उनका सारा सिस्टम. तो फिर वो आपको भेज देते हैं आपका एडमिट कार्ड. अब ये बट दिस इन नो वे आपको गारंटी नहीं करता कि आपको वीज़ा भी मिल जाएगा. तो इत्तेफाक से तो मुझे मिल गया था, बट ये कि इसकी बेस पे वीज़ा यूजुअली, ये मतलब ये इसकी वो गारंटी नहीं होती कि आपको वीज़ा मिलेगा, लेकिन ये कि अप्लाई करना चाहिए अगर आपकी एस्पिरेशंस हैं बाहर जाने की. अच्छा, और इसमें आपने क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस किए भाई अप्लाई? कॉन्सिक्वेंसेस नहीं, कोई ऐसा कोई कॉन्सिक्वेंसेस था, इजीली अप्लाई, हाँ स्मूथली हो गया था सब. बेसिक प्रोटोकॉल्स आपने क्या फॉलो किए थे जब आप एग्जाम देने जा रही थी? बेसिक प्रोटोकॉल्स पढ़ाई की थी. अदर देन दिस, तो दिस इज द ओनली थिंग, 6 घंटे का एग्जाम होता है, 3 घंटे का एक पार्ट होता है, फिर 15-20 मिनट का शायद ब्रेक होता है, उसके बाद फिर 3 घंटे का एग्जाम होता है, सारा MCQ बेस्ड होता है. बस पढ़ाई की थी, बहुत सारी पढ़ाई की थी, जो तुम लोगों को अभी बहुत बुरी लगती है CPR, उससे पढ़ाई की थी, और बहुत सारी चीज़ें. तो there are so many things available, ab to groups ban gaye hain WhatsApp pe, Facebook pe, to bahut facilitate kar rahe hain. Us waqt to bahut mushkil ho raha tha, Yahoo based groups hote the jis pe kisi ne Allah waste kuch de diya to de diya, warna bas bahut sara padhna padta hai, ye baat hai. Aapne you have also served as a clinical pharmacist in Karachi, to aapke khayal mein kya zyada beneficial hai, clinical ya industrial? Dekho, जब मैं इंडस्ट्री में थी तो मैं ना प्रोडक्शन में थी, ना सेल्स में थी, ना मार्केटिंग में थी. आई वॉज सर्विंग इन मेडिकल अफेयर्स डिपार्टमेंट. तो उस वक्त हमारा जो एक हम जिस पे ज़्यादा काम कर रहे थे वो था ADRs, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, और उनकी रिपोर्टिंग. तो हम सेमिनार्स करते थे, लोगों को जाके अवेयरनेस देते थे, हॉस्पिटल्स में सेमिनार्स करते थे, डॉक्टर्स भी होते थे उसमें. तो हम इस तरह से हमने बहुत इतना किया था कि जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी थी हमारी, उसके पास बाकायदा फॉर्म्स जाना शुरू हो गए थे, क्योंकि हम फीडबैक लेते थे ना जो मिनिस्ट्री में लोग होते थे. तो वहाँ पे भी हमने कंट्रीब्यूट किया. इसके अलावा जब मैं हॉस्पिटल गई तो बड़ा हॉस्पिटल था, टर्शरी केयर, और अनफॉर्चुनेटली उस वक्त इतना डेवलप नहीं था, क्योंकि देखो एक एक चीज़ों को डेवलप करने में ना आपको बहुत सारी हीट भी लेना पड़ती है कभी कभी, बहुत डिसअपॉइंट भी करते हैं लोग, कभी कभी डिग्रेड भी कर देते हैं आपको. तो उससे ना दिल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए. यू शुड बी लुकिंग एट अ बिगर गुड, कि आप कुछ
कंट्रीब्यूट करने जा रहे हैं. हम उस वक्त हमने बड़े सुकून से काम किया, अपनी तैयारी हम पूरी रखते थे जब जाते थे. जो मैंने तुम लोगों की भी शायद क्लास ली थी, तो सबसे पहले मैंने यही बात की थी सबसे पहली क्लास में कि पढ़ते रहो, यू शुड ऑलवेज बी रीडिंग समथिंग. अपने आप को पढ़ने की आदत डालो, नॉवेल्स पढ़ो. अब बच्चे नॉवेल्स भी नहीं पढ़ते, ठीक है, ई बुक्स पढ़ते हैं, तो नॉवेल्स पढ़ो, कुछ पढ़ो ताकि एक पढ़ने का रूटीन रहे तुम लोगों को, ठीक है. तो जब आप इस तरह की पढ़ने की आदत होती है ना, तो जब आप किसी फील्ड में होते हैं उससे एक्सेल करने के लिए, स्पेशली हेल्थ केयर में हर दूसरे रोज एक नई डिस्कवरी हो रही है, कोई नई डेवलपमेंट हो रही है, कोई नई गाइडलाइन आ रही है, उसको पढ़ो. तो जब आपका होमवर्क स्ट्रांग होगा ना, आप किसी से बात कर रहे होंगे तो आप कॉन्फिडेंट होंगे. अच्छा, कॉन्फिडेंट होने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप सामने वाले से बदतमीजी करना शुरू हो जाए, ठीक है. बी वेरी जेंटल. जैसे अक्सर हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े कंसल्टेंट्स काम करते थे, इंसान है, उनसे भी हो जाती है गलती. तो हम ये कहते थे, मैं जब जाती थी तो मैं ये कहती थी कि सर आपने जो प्रिस्क्राइब किया है वो मुझे मिल नहीं रहा कहीं है. फ्रेंड्स, काइंडली आप मुझे बता दें कि ये कोई नई गाइडलाइन आई है. हालांकि मुझे पता था ही इज रॉन्ग, बट आई कैन नॉट से दैट इन हिज फेस, क्योंकि जब आप ये बात करते हैं तो पहले ही आप एक बैरियर खड़ा कर देते हैं. सही है. तो उससे ये हुआ कि बाद में पहले कंसल्टेंट्स ये कहते थे कि हमारी फाइल कैसे छुई फार्मासिस्ट में. बाद में मेरी निकलते निकलते तक ये होता था कि हमारी फाइल क्यों नहीं देखी फार्मासिस्ट ने, ठीक है. सो थोड़ा सा टाइम लगता है मगर आपका नाम ले जाता है ना, रिस्पेक्ट भी वहाँ पे होनी चाहिए, रिस्पेक्ट भी डेवलप होती है. वो जब ही होगी जब आपका होमवर्क स्ट्रांग होगा, ठीक है. उसके लिए बड़ा सब्र से काम लेना पड़ता है. तो चाहे आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, चाहे आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, या आप एकेडेमिया में हो, यू नीड टू ऑलवेज कॉन्ट्रीब्यूट टू समथिंग. और वो कॉन्ट्रीब्यूशन जब भी आती है जब आपका नॉलेज बेस अच्छा हो. अच्छा मैम, उसके अलावा क्या आउटरीच अपॉर्चुनिटीज प्रोग्राम्स हैं फॉर अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट जिसमें वो अप्लाई कर सकते हैं? कोर्सेरा बेस्ट है सर, क्योंकि उसके ऊपर अगर आप फाइनेंशियल एड अप्लाई करते हैं तो वो भी आपको आराम से मिल जाती है. डोंट नीड टू स्पेंड सो मच मनी ऑन इट, ठीक है. और सर्टिफिकेशन हो जाती हैं, जॉन्स हॉपकिंस जैसी, MIT जैसी वहाँ पे यूनिवर्सिटीज हैं जिनसे आप कर सकते हैं. इसके अलावा डिस्टेंस लर्निंग बहुत हो गई है, छोटे छोटे कोर्सेज आ गए. इवन आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ को अप्लाई कर सकते हैं. और बस ये है कि IT की तरफ आने की कोशिश करो, AI इन हेल्थ केयर की तरफ आने की कोशिश करो, हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स की तरफ आने की कोशिश करो, क्योंकि दिस इज द इन थिंग राइट नाउ. अच्छा मैम, आई हैव फाउंड दैट यू हैव अ स्पेशल इंटरेस्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो आपने कैसे स्टार्ट किया ये? जब हम एकेडेमिया में आए, इवन जब हॉस्पिटल में भी काम कर रहे थे, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही थी जिसको हम मैल प्रैक्टिस तो नहीं कहूँगी मैं, लेकिन ये कि थोड़ी सी नेग्लिजेंस थी. जैसे बहुत सारी ड्रग्स हैं जो थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग एक चीज़ होती है जो हम करते हैं अस्पतालों में, कुछ ऐसी ड्रग्स के लिए जो नेरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स की होती हैं, वो बच्चों में भी नहीं होता था. तो उसको हमने इम्प्लीमेंट करवाया, स्पेशली NCUs में जो न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट्स होते हैं, और पीड्स ICUs में, और बड़ों के भी MICUs में भी करवाया, स्पेशली जो वो पेशेंट्स थे जो ऑर्गन फेलियर में थे. तो अब ये दिमाग में आया कि जब इतने बड़े अस्पताल में ही हो रहे हैं तो बहुत सारे और अस्पतालों में होता होगा. फिर बहुत सारे फिनोमिनल जैसे थे, जैसे हम हमेशा डिक्रीज रीनल क्लियरेंस की बात करते हैं, मगर एक फिनोमिनल है ऑगमेंटेड रीनल क्लियरेंस जो फीवर के पेशेंट्स में हो जाता है. तो उसमें ड्रग डोजिंग किस तरह से होगी, ये दिमाग में आया. फिर ये आया कि क्या एक ड्रग से ठीक हो सकते हैं या मल्टीपल ड्रग्स चाहिए. जब आप प्रैक्टिस करने लगे, तो वो बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो जिन्होंने राइज दिया. फिर कोविड आया, उसमें हमने बर्न आउट सिंड्रोम एक देखा हेल्थ केयर इंडिविजुअल्स का, बट किसी ने फार्मासिस्ट के बर्न आउट की बात नहीं की.
तो ये सारी जो चीजें होती है ना, फिर आपको ये रिसर्च में डालती है कि फिर आप कहते हैं कि अच्छा अब इसका एक डाटा होना चाहिए, फॉर्मल डाटा इसकी होनी चाहिए सर्चिंग, और फिर इसके ऊपर काम होना चाहिए. सो दैट एक्चुअली अच्छा, आपने रिसर्च के लिए स्पेसिफिकली क्या मटेरियल्स टूल्स यूज किए थे? रिसर्च स्टार्टेड देखो वर्किंग ऑन रिसर्च? डेवलप जो हम रिसर्च कर रहे होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है. अगर आप सर्वे बेस्ड कर रहे हैं तो जाहिर है आप क्वेश्चनेयर्स देते हैं. अगर आप रेट्रोस्पेक्टिव डेटा भी बात कर रहे हैं, हम जो काम कर रहे थे किसी में प्रोस्पेक्टिव डेटा भी चाहिए था जिसमें हमने लोग, जाहिर है अब ये इतना आसान नहीं होता क्योंकि एथिकल कमिटी होती है और सब होता है. तो ये तो रिसर्च टू रिसर्च वेरी करता है, आप जिस तरह की रिसर्च कर रहे हैं उस तरह के टूल्स लेंगे. फिर एक रिव्यू भी, रिव्यू आर्टिकल्स भी होते हैं जो यस। आप बहुत सारे आर्टिकल्स को पढ़ के और उसमें से फिर अपना एक रिव्यू निकाल. तो अच्छा, मुख्तलिफ एज अ फार्मासिस्ट क्या एरियाज या टॉपिक्स हो सकते हैं जिस पे एक स्टूडेंट काम करना शुरू कर सकते हैं? एरियाज, अब ये स्टूडेंट के अपने इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है उसका क्या इंटरेस्ट है. हेल्थ साइंसेस में है, मतलब हेल्थ साइंसेस में तो खैर है, वो पब्लिक हेल्थ में है तो जाहिर है वो प्रैक्टिसेस के ऊपर कर सकता है, किसी स्पेसिफिक ड्रग और उसके इंटरेक्शंस पे बात कर सकता है. इसके अलावा अगर वो ड्रग डेवलपमेंट में है तो फिर तो यूनिवर्सिटी के अंदर ही कोई सा प्रोसेस डेवलप करके टीचर्स के साथ कोलैबोरेट करके कुछ ना कुछ, क्योंकि जाहिर है टीचर्स उसको गाइड करेंगे, अभी वो इतना एडवांस उसमें आ नहीं पाएगा. मैम, आपका कौन सा आर्टिकल अब तक पब्लिश हुआ है? मेरा तो एक थीसिस का ही आर्टिकल है नियोनेट्स का, जिसपे मैंने वैनकोमाइसिन की बात की है इन प्री टर्म एंड फुल टर्म नियोनेट्स. उसके जो हमने ये देखा था कि वो जो ड्रग डोजिंग है वो पाकिस्तानी पॉपुलेशन के हिसाब से है कि नहीं है, बिकॉज पॉपुलेशन टू पॉपुलेशन ड्रग्स वेरी करती है, उनका जो फेट होता है बॉडी में वो वेरी करता है. इवन जो हमारी अपनी पाकिस्तानी पॉपुलेशन है उसमें बहुत चीज़ें वेरी करती हैं, जो लोग हायर ऑल्टीट्यूड्स में रह रहे हैं और जो लोग डेजर्ट्स में रह रहे हैं, तो ये डिपेंड करता है. तो इस वजह से हमने ये देखा था कि वैनकोमाइसिन की डोज पाकिस्तानी पॉपुलेशन के हिसाब से है कि नहीं. तो ये, और अभी हमारा एक फार्माको इकोनॉमिक्स का आर्टिकल है जो अंडर प्रोसेस है एक इंटरनेशनल जर्नल में, तो अभी उसके ऊपर काम चल रहा है, तो वो एक अभी प्रोसेस में है, और दो तीन आर्टिकल इसी के ऊपर अच्छा हमारे. मैम, थीसिस जो है वो हमारी अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम का पार्ट होती है या एम फिल का नहीं पार्ट नहीं होती वो एम फिल रिसर्च बेस्ड होता है वो, है? ठीक लेकिन अंडर ग्रेड्स एक फाइनल ईयर में कोई प्रोजेक्ट कर सकते हैं, बट दैट वुड बी, आई डोंट थिंक दैट वुड बी कॉल्ड थीसिस, जिस थीसिस का कोई वो नहीं है, प्रोजेक्ट हो सकता है. यस. मैम, लास्ट क्वेश्चन, पब्लिशिंग एन आर्टिकल वो क्या एक प्लस पॉइंट हो सकता है किसी फार्मासिस्ट की सीवी के अंदर? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ तो ये कर नहीं रही हैं. फाइनल ईयर में उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं जो वो पब्लिश कराते हैं, तो यस आपका जो पोटेंशियल एम्प्लॉयर होता है वो देखता है कि आपने कहाँ तक अपने आप को एक्सपेंड किया हुआ है. ओके, रिव्यू आर्टिकल्स एंड रिव्यू दोनों। आर्टिकल्स तुम लोग अपनी बेस पे, हाँ रिव्यू आर्टिकल्स लिख सकते हो. इसके अलावा कोई प्रोजेक्ट हो, कोई ड्रग डेवलप कर लो, कोई फॉर्मुलेशन डेवलप कर लो, उसके ऊपर तुम लोग कोई आर्टिकल लिख सकते हो. तुम लोग तो डाइस के प्रोजेक्ट्स भी करते हो बहुत यस, सारे. तो अपनी जो थीसिस हैं या रिव्यू आर्टिकल्स हैं हमारे, वो हम किस तरह सबमिट करते हैं और पब्लिश करते हैं, क्या प्रोसीजर है इसका? वो आप जो जर्नल्स हैं उनकी वेबसाइट है, उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके ऊपर आप जो है वो जाते हैं अपने, उनकी रिक्वायरमेंट्स देखते हैं, उसमें इंडेक्सिंग, स्पेसिंग, एवरीथिंग इज देयर. और फिर वो आपसे कुछ फीस होती है जो लेते हैं, लेकिन उसमें भी आप बता सकते हैं, इतना कोई मुश्किल नहीं है उनके साथ भी बात करना कि आप एक डेवलपिंग कंट्री में बिलोंग करते हैं, आप खुद एक स्टूडेंट हैं, तो इफ़ दे कैन यू नो गिव यू सम डिस्काउंट और वेव इट ऑफ, तो ये सारा होता है. फिर उसमें उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि पीयर रिव्यूज होते जी हैं, फिर वो जाते हैं रिव्यू के लिए, फिर उसके अंदर अगर कोई
किसी रिव्यूअर को कोई पॉइंट समझ आता है, वो आपको भेजता है, कम्युनिकेट करता है आपसे, फिर आप उसको अकॉर्डिंगली एड्रेस करते हैं। अच्छा, इन द एंड आप कोई अंडरग्रेजुएट फार्मेसी स्टूडेंट्स को मैसेज देना चाहेंगे? एक ही मैसेज है, डेटा साइंसेस कर लो, सर्टिफिकेशन करो डेटा साइंसेस की, हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स की, इट्स गोइंग टू चेंज योर लाइफ बोथ एज अ ह्यूमन एंड एज अ प्रोफेशनल। आपकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है ना वो बहुत बढ़ जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी। Thank you so much, ma'am, for taking the time for us. We had a great experience. Thank you so much. I had a great experience. I'm sure everyone listening to us right now would have also enjoyed this podcast. Me and Navera would now like to sign off from here. See you guys in the next episode of podcast. Allah Hafiz.